गरीब मजदूर लोगों को कम पैसे में पौष्टिक खाना मिल सके, इसके लिए शनिवार को फतेहाबाद में अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ हुआ। कैंटीन का शुभारंभ सांसद सुनीता दुग्गल और क्षेत्र के विधायक चौधरी दूड़ाराम ने किया। अनाज मंडी के समीप बनाए गए इस कैंटीन में मात्र 10 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा, जिसमें दाल, चावल, सब्जी और रोटियां होंगी। शनिवार को उद्घाटन के अवसर पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सांसद दुग्गल ने कहा कि फतेहाबाद में खुलने वाली प्रदेश की चौथी कैंटीन है। इससे पहले 3 ऐसी ही कैंटीन प्रदेश में खोली जा चुकी है, जबकि इस वर्ष 1 और कैंटीन प्रदेश में खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का विजन है कि प्रदेश का कोई व्यक्ति पैसे के अभाव में भूखा ना रहे और कम पैसे में घर जैसा पौष्टिक खाना उसे मिल सके। कार्यक्रम के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए दुग्गल ने दिल्ली विधानसभा चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली चुनावों के परिणाम पर पार्टी मंथन करेगी। वहीं फतेहाबाद के बेपटरी हो चुकी स्वास्थ्य सेवाओं पर बोलते हुए फतेहाबाद बेहतर स्वास्थ्य मुहैया हो सके, इसके लिए वे स्वयं स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगी और फतेहाबाद में जरूरी चिकित्सक स्टाफ उपलब्ध करवाया जाएगा। पूरे हरियाणा के अंदर 5 जो है वो अटल किसान मजदूर कैंटीन जो है इसका शुभारंभ किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करनाल में किया सितंबर में, और उसके बाद कृषि मंत्री जी ने भिवानी में किया, और उसके बाद पंचकुला में हमारे जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने किया 13 तारीख को। आज 15 तारीख है, चौथी जो है ये कैंटीन यहाँ पर फतेहाबाद जिला में हमारे जो है किसान भाई और मजदूर भाई उनके लिए जो है इस कैंटीन का उद्घाटन किया गया है। इस इलाके में खासकर किसानों के जो दिक्कतें हैं उसके लिए जो खेतों में खाल बने हुए हैं किसानों के, वो आज से गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 20 साल से पहले हम बना नहीं सकते, लगभग बन चुके हैं खाल, टूट चुके हैं। बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छी बात है, और वो हम कोशिश करेंगे उस पॉलिसी को चेंज करके 10 साल तक 10 साल का खाल बनाए उसको दोबारा बनाया जाए, क्योंकि